आईपीएल सीजन 13 का 29वां मुकाबला कल हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में हर हाल में सीएसके की टीम को जीत की दरकार है। बता दें आपको कि सीएसके अभी तक इस 7 में से 5 में यहां पर सीएसके को हार मिली है और महज 2 मुकाबलों में सीएसके को जीत मिली है। ऐसे में टीम के कप्तान एमएस धोनी इस मैच के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले मैच में जब सीएसके की टीम आरसीबी से हारी थी तो एमएस धोनी ने साफ कहा था मैच के बाद कि हमें अब तेज बल्लेबाजी करनी होगी, हमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, अगर हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे तभी हम मुकाबले जीत पाएंगे। कुछ ऐसा ही कहना था एमएस धोनी का। ऐसे में धोनी के साथ पूरी सीएसके टीम ने लंबी लंबी हिटों की प्रैक्टिस की है। धोनी ने कहा कि हम मैच को 20 ओवर तक नहीं ले जाना चाहते, हम मैच को जल्द से जल्द खत्म करेंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में कप्तान एमएस धोनी ने खुद मोर्चा संभाला है और अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए एमएस धोनी ने नेट्स पर लंबे लंबे छक्के जड़ दिए। धोनी के छक्के इतने लंबे थे कि उन्हें रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने नेट्स पर भी ग्राउंड के बाहर छक्का मारने का प्रयास किया। यही वजह रही कि यहाँ पर एमएस धोनी जिस तरीके से प्रदर्शन करते आए वो वाकई काबिले तारीफ है। धोनी का यही अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और यही वजह है कि हैदराबाद के खिलाफ एमएस धोनी का बल्ला एक बार फिर गरजेगा। सिर्फ गरजेगा ही नहीं बल्कि चमकेगा भी। एक बार फिर एमएस धोनी दिखा देंगे कि आखिरकार क्यों उन्हें दुनिया के महानतम कप्तान और दुनिया के विस्फोटक फिनिशर्स में से एक माना जाता है। फिलहाल धोनी का सिक्का चल तो नहीं रहा, उम्मीद है कि कल हैदराबाद के मुकाबले में धोनी का सिक्का भी चमकेगा और उनकी जो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस हुई है और जिस तरीके की लय में वो नजर आए हैं वो भी वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरीके की हिटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है सीएसके की तरफ से वो वाकई में क्या कल के मैच में देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको आपकी क्या राय है, क्या हैदराबाद के खिलाफ कल सीएसके की टीम जीत सकती है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि सीएसके जैसी सक्सेसफुल टीम बेहतर प्रदर्शन कर अपने आप को साबित करे। ANP न्यूज़ रूम से अनुराग पांडे की रिपोर्ट।